हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। चलिए एक कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि हॉर्न नाम की एक अमेरिकन सिंगर थी जिन्होंने एक कॉर्ड दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रेयर इज़ द वॉइस ऑफ फेथ। जो प्रेयर होती है वो विश्वास की आवाज़ होती है। अगर आप प्रेयर करोगे तो आप किसी भी काम को बहुत विश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कंपाउंड प्रेस टूल। ओके, तो कंपाउंड प्रेस टूल क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड प्रेस टूल ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों ऑपरेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इसमें कंपाउंड प्रेस टूल में हम दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। ओके, अब जिसमें आप बोल सकते हो कि अगर आपको एक वॉशर बनाना है, ओके, तो वॉशर बनाने के लिए आपको बीच में एक होल करना पड़ेगा और वॉशर जिस स्ट्रिप से बनेगा उसको भी आपको ब्लैंकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें दो ऑपरेशन हो गए कि मैं हैश कर रहा हूँ। ओके, अब सपोज़ ये एक स्ट्रिप है। ओके, तो स्ट्रिप में से हमको एक वॉशर निकालना है, तो वॉशर के लिए आप एक बीच में एक छेद करोगे। ओके, तो ये हो गया पियर्सिंग ऑपरेशन। और उसके बाद सेकेंड जो करोगे वॉशर के लिए, सेकेंड आप ट्रिमिंग करोगे और इसको ब्लैंकिंग ऑपरेशन से इसको अलग करोगे, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो वॉशर बनेगा। ओके, तो इसको बनाने के लिए हम ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दो अलग अलग ऑपरेशन न करके केवल एक ऑपरेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड प्रेस टूल। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन, मैंने दो ऑपरेशन को यहाँ पर बताया है। ओके, तो यहाँ पर दोनों पियर्सिंग ऑपरेशन है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में इसको कैसे डिफर करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर एक पंच है। ओके, अगर आप इसको स्क्रैप ना मानकर अगर इसको कंपोनेंट मानोगे तो ये ब्लैंकिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप रखी है। ओके, तो स्ट्रिप में से जब मैं पंच को हैमरिंग करता हूँ और डाइव में से निकालता हूँ, तो हमारे पास जो एक कंपोनेंट होगा वो होगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हो पियर्सिंग। अगर उसी कंपोनेंट की जगह अगर आपको जो भार वाली प्रोफाइल है अगर वो चाहिए और वो आपका जो मेन कंपोनेंट है, ओके, तो और जो मिड वाला जो रहेगा, जो कटिंग स्क्रैप रहेगा, जो कटिंग पोर्शन रहेगा, वो अगर आपका स्क्रैप है, ओके, तो वो रहेगा पियर्सिंग ऑपरेशन। ओके, तो इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन और पियर्सिंग ऑपरेशन को साथ में अगर हम करते हैं तो उसको हम वो कहेंगे कंपाउंड प्रेस टूल। ओके, तो यहाँ पर आप कंपाउंड प्रेस टूल देख सकते हो। यहाँ पर उसके कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप मिड में देख सकते हो कि यहाँ पर एक पंच है, ओके, मिड में जो स्प्रिंग लोडेड है। ओके, और यहाँ पर डाई है। ओके, तो जनरली डाई नीचे होती है, लेकिन हमने यहाँ पर डाई को ऊपर लगाया है क्योंकि डाई यह फिक्स रहेगी और जो हमारा अंदर एक स्ट्रिपर है, ओके, यहाँ पर अंदर एक स्ट्रिपर है, जो स्ट्रिपर मूव करेगी और पंच इस पे डाई पे पड़ेगा और यहाँ से एक स्क्रैप निकलेगा। ओके, और सेकंड यहाँ पर एक प्रेशर पेड है। ओके, जब डाई मूवमेंट नीचे की तरफ करेगा तब प्रेशर पेड नीचे मूवमेंट करेगा डाई के साथ। ओके, जिसके कारण से जो सेकंड ऑपरेशन है ब्लैंकिंग ऑपरेशन वो भी हो जाएगा। तो इसमें दो ऑपरेशन होंगे, उसमें देखते हैं कैसे। जो मिड वाला पंच है, ओके, ये पियर्सिंग ऑपरेशन करेगा और स्क्रैप निकाल देगा। ओके, और सेकंड प्रेशर पेड और डाई, ओके, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्लैंकिंग ऑपरेशन होगा जो यहाँ पर कट होगा और हमको जो एक फाइनल प्रोडक्ट है, सपोज़ कि एक वॉशर है, तो वॉशर हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये एक कंपाउंड टूल है जिसके आप पार्ट्स के साथ देख सकते हो। अब जो प्रेशर पेड है, तो ये प्रेशर पेड भी एक मैकेनिज्म से जुड़ा है जिसमें आप बोल सकते हो कि बोल्टिंग के साथ मैंने एक स्प्रिंग को लगाया है जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। ओके, नीचे जाएगी। ओके, और प्रेशर पेड को जब नीचे मूवमेंट कराएगी, उसके बाद जब फिर से वो अपनी पोजीशन में आएगी, तो जो प्रेशर पेड है ये स्प्रिंग की वजह से वापस अपनी रियल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, और उसी तरह से जो हमारा स्टिपर प्लेट है, स्टिपर प्लेट भी इसी तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये है कंपाउंड डाई, जिससे हम वॉशर या फिर वॉशर जैसे कई कंपोनेंट, ओके, जिसमें ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन होते हैं, तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। ओके,
ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था पेस्टूल टेक्नोलॉजी के अंदर कंपाउंड टूल के बारे में। ओके तो अगर आपको और वीडियो पेस्टूल के ऊपर चाहिए और मोल्ड टेक्नोलॉजी के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारे वीडियो के बारे में। ओके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।